अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर इनके बीच सास बहू का मुकाबला चल रहा है इस टाइम। सभी जानते हैं मीटिंग के ऊपर मीटिंग हो रही है, हर हफ्ते मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद एक और मीटिंग रख दी जाती है, लेकिन रिजल्ट सभी जानते हैं। अभी कनेक्शन कैंप के नाम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सभी प्लेयर को मधु किया था जो मेन मेन प्लेयर थे। मेन प्लेयर देखो आप लोग, साइम योब भी थे, शाहू शकील भी थे, सलमान अली आका थे, लेकिन नसीम शाह नहीं थे। चलो खैर, इस पर बात करते हैं। मेन पॉइंट जो थे मीटिंग के अंदर, वो क्या क्या डिस्कशन हुई उसमें। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी फैन हैं ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप लेकर आएगी, कब कोई ऐसी आईसीसी का इवेंट होगा पाकिस्तान टीम भी वो ट्रॉफी जीत कर लेकर आएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, हम तो इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं। ये सेम सवाल पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल के कोच से हुआ, गैरी क्रिस्टन से, कि आप में बताएं कि पाकिस्तान टीम क्या जो अभी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है कि हम ये जीत सकते हैं, या आने वाला T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे या फिर आने वाला ODI वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हम तो आपको इस वजह से लेकर आए हैं कि हमें ICC इवेंट चाहिए, हमें ट्रॉफी चाहिए ICC की। इसके बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। ये एक सवाल किया गया, तो उसके सवाल के जवाब में उसने पहले तो अपने जो दूसरे रेड बॉल के कोच थे उसकी तरफ देखा, बाद में थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद जवाब दिया कि इट्स लॉन्ग प्रोसेस। उसने बड़े आसान लफ्ज़ में कह दिया कि ये अभी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, अभी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये बात की है पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच ने। देखिए, ये कितना लंबा प्रोसीजर है, ये ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम भी कोई वर्ल्ड कप जीते, ICC की कोई ट्रॉफी जीते। लेकिन जो भी मैनेजमेंट आती है, चाहे कोच हो, चेयरमैन हो, चाहे चीफ सिलेक्टर हो, कोई भी हो, उनके पास एक लॉलीपॉप बहुत खूबसूरत है पाकिस्तानी अवाम को वो देते हैं कि आप इसको चूज कर गुजारा करें आपसे, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसे चुटकियों में वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, नई मैनेजमेंट आती है, वो भी आकर यही ड्रामा करना शुरू कर देती है। ये तो लॉजिक ना हुआ। हमें तो भाई रिजल्ट चाहिए कि जो भी कोच लगाया जाता है, चेयरमैन आता है, वो उसने किया क्या है पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए, किया क्या है? क्योंकि गैरी क्रिस्टन से ये सवाल इस वजह से पूछा गया था कि उसने बहुत पावर दिखाकर बाबर आजम और दूसरे जो शान मसूद है हमारे कैप्टन, इन दोनों को बरकरार रखा है कि इनको कैप्टेंसी से चेंज ना किया जाए। ये चेंज करोगे आप, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमें चेंज नहीं करना, हमें इन दोनों कैप्टन के साथ जाना है। ये कितनी बड़ी बात है, ये इसका सारा जो करता धरता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोचेज ने ली है अपने ऊपर कि हम कोच, ये पाकिस्तान के वाइट बॉल को कैप्टन और रेड बॉल के कैप्टन, हम इसको चेंज नहीं होने देंगे। हाँ, अगर कोई गलती हो रही है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन कैप्टेंसी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। गैरी क्रिस्टन का तो साफ कहना था कि मैं चैंपियन ट्रॉफी तक बाबर आजम को कैप्टन रखूंगा। वो साथ में ये कहना था कि ये कैप्टेंसी का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए और बहुत सी गलत चीज़ें हैं उसको ठीक करना चाहिए। दोस्तों, आप ये मानते हैं शान मसूद और बाबर आजम परफेक्ट कैप्टन है पाकिस्तान टीम के लिए? ODI में बाबर आजम और टेस्ट में शान मसूद, क्या ये सही है? ग्लेस्पी का कहना है और ये जो हमारे गैरी क्रिस्टन है कोच, उनका तो ये मानना है कि और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको ठीक होना पड़ेगा, लेकिन कैप्टेंसी के बारे में बात ना करें। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कैप्टेंसी का इशू नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? कैप्टेंसी का बिल्कुल भी इशू नहीं है, किसी और वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार रही है? बाबर आजम को वाइट बॉल का कैप्टन रहने दिया जाए और शान मसूद को रेड बॉल का कैप्टन रहने दिया जाए, क्या ये सही है? अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दीजिएगा इस बारे में। और दूसरी मीटिंग में बात हुई थी, दूसरी ये बात हुई थी कि प्लेयर्स पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही नाराज़ है कि ये लीग्स खेलने के लिए चले जाते हैं, ILT खेलने के लिए चले जाते हैं, ग्लोबल T20 खेलने के लिए चले जाते हैं, और दुनिया में जितनी भी लीग हो रही हैं इनका यही है कि हम ये लीग जाकर खेलें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि जितने भी प्लेयर हैं मेन वो डोमेस्टिक में नहीं आकर खेलते। अब चैंपियन कप स्टार्ट है, चैंपियन कप हो रहा है, पाकिस्तान की कितनी अवाम इसको शौक से देख रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साफ साफ ये कहना था कि पाकिस्तान के जितने भी मेन प्लेयर हैं उनको लीग्स को छोड़कर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो ज़रूरी होना चाहिए, ना कि लीग ज़रूरी होने चाहिए। अगर आप दूसरी लीग जाकर खेलते हो
उनकी लीग्स पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले की लीग हो जाती है। इस वजह से आपको चाहिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, ना कि कोई लीग खेलना। हाँ, अगर एक दो लीग की हमें परमिशन दी आप लोगों को, वो हम एनओसी दे देंगे, वो भी तब देंगे, हम देखेंगे पहले डोमेस्टिक का कोई इवेंट तो नहीं हो रहा, पीएसएल तो नहीं हो रही, कोई हमारी सीरीज तो नहीं हो रही, ये पहले देख के फिर आपको एनओसी दिया जाएगा, अदरवाइज आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा दूसरी लीग के लिए। दोस्तों, इस कनेक्शन कैंप में 9 पाकिस्तानी मेन खिलाड़ियों को बुलाया गया था। मेन खिलाड़ियों से मुराद है जिनसे डिस्कशन होना बहुत ही ज़रूरी थी। देखो, अभी एक स्पिनर को भी नहीं बुलाया गया। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर लेके जाने के लिए बात हो रही है ना, एक स्पिनर भी नहीं था और सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर था, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह नहीं था। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा भी गया था कि आपने मेन प्लेयर नसीम शाह को क्यों नहीं बुलाया, तो उसका बहुत ईजी जवाब दे दिया इन लोगों ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने, कि हमने वो प्लेयर बनाए हैं जो तीनों फॉर्मेट में मेन प्लेयर है। नसीम शाह हमारे, यानी नसीम शाह का नाम नहीं लिया, बस यही जवाब दिया कि जो मेन प्लेयर है उन लोगों को हमने बुलाया है। क्या मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फील होता है कि नसीम शाह मेन प्लेयर नहीं है। दूसरी बड़ी बात, साइम यू मेन प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट तो आप ज़बरदस्ती उसको खिला लेते हो, मगर उसकी परफॉर्मेंस वैसे ही है। सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट खेलता है, इवन शदाब खान, क्या वो तीनों फॉर्मेट खेलता है? ये बहुत बड़ी ज्यादती की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ऐसे बेस्ट प्लेयर को नहीं बुलाया गया जो शदाब खान से बढ़कर है, साइम यूब से बढ़कर है, सलमान अली आगा से बढ़कर है, लेकिन फिर भी नसीम शाह को नहीं बुलाया गया और बाकी सबको प्लेयर को बुला लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे क्रिकेटर जितने भी थे, ये फैसलाबाद में मौजूद थे और हमारे कोचेज भी फैसलाबाद में मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट भी फैसलाबाद में थी, लेकिन मीटिंग करने के लिए कनेक्शन कैंप तो नाम दे दिया गया इसको, वो कहाँ पर लगाया गया? लाहौर में। ये बड़ी बात है, वहाँ पर मोहसिन नकवी खुद नहीं आए, वीडियो लिंक से उसने बात की थी, ये तो बात वहाँ पर भी जाकर हो सकती थी फैसलाबाद में, लेकिन एक दिन के लिए पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर थे इनको लाहौर बुलाया गया और लाहौर से दोबारा फिर नेक्स्ट डे ये दोबारा फैसलाबाद आएंगे। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये मीटिंग हर हफ्ते ये रख देते हैं? क्या कोई रिजल्ट भी आप लोगों को लगा है? एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।